ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिलीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डिस्टिंक्शन और डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब भाई हम बात करेंगे, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपने बात कर ली, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और, तो भाई इस टॉपिक को हमने कार्बन और हाइड्रोजन उनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इस टॉपिक को भाई तो इनमें अपने डिफरेंस पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या अंतर होता है, ठीक है बात। तो थोड़ा पहले आप यहाँ पर देखो, तो पहले मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको नहीं है ओल्ड डेफिनेशन आपको बताएंगे, क्या बताएंगे आपको, ओल्ड डेफिनेशन, फिर आपको हम बताएंगे इनकी न्यू डेफिनेशन। तो पहले हम बात करते हैं कि ओल्ड डेफिनेशन क्या थी। पहले आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे यूरिया है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल सकते हैं, ये एसिटिक एसिड है, लिविंग बींग से आप इनको सिर्फ कहाँ से हासिल कर सकते हो, तो शुरुआत में ऑर्गेनिक, तो क्यों देखो, क्योंकि आपने देखा होगा ना, आप कहोगे कि ऑर्गेनिक वर्ड आया कहाँ से और इनऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया, तो ऑर्गेनिक का एक्चुअल मीनिंग पता क्या होता है, ऑर्गेनिक का एक्चुअल मीनिंग होता है नेचुरल, क्या होता है, नेचुरल या लाइफ रिलेटेड, और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जो निर्जीव से क्या है, जुड़ा हुआ, निर्जीव मतलब लाइफलेस, ठीक है बात। तो शुरुआत में मानते थे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो एसिटिक एसिड है, समझे बात, शराब वगैरह कहाँ से बनाते हैं, गुड़ से नहीं बनाते क्या, गुड़ से, चीनी से, अंगूर से नहीं बनाते क्या, और चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ने से, अंगूर कहाँ से मिलते हैं, अंगूर की बेल से, नहीं बात आपको पले पड़ी, और वो सब क्या होते, प्लांट्स नहीं होते, और प्लांट्स में क्या होता है, लाइफ। तो शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड किन को बोलते थे, कि जिनको हम सिर्फ किन से हासिल कर सकें, लिविंग बींग से, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ गए बात। और जिनको हम किन से हासिल कर सकें, मतलब जिनको कहाँ से आइसोलेट किया जा सके, सिर्फ लिविंग बींग से, लिविंग बींग से हासिल उसके, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास, और इनकी स्टडी क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो कहाँ से मिलते हैं, नॉन लिविंग बींग से, किसे मिलते हैं, जैसे जैसे ज्वालामुखी क्या होता है, वो तो उसमें लाइफ नहीं होती, ज्वालामुखी में लाइफ नहीं होती, लेकिन जो वोल्केनो वगैरह है उसके पास से आप क्या हासिल कर सकते हो, आयरन सल्फाइड, क्या, FeS, आयरन सल्फाइड आप कहाँ से हासिल कर सकते हो, लिविंग बींग से। चट्टानों से आप क्या हासिल कर सकते हो, गोल्ड के, सॉरी आयरन के ऑक्साइड, Fe2O3 या Fe3O4 या Mn3O4, मैगनीज के ऑक्साइड हैं, आयरन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, इवन कार्बन के ऑक्साइड हैं, कार्बन के, तो ये हम कहाँ से, कार्बोनेट कहाँ से हासिल कर सकते हैं, क्या कार्बोनेट के चूना पत्थर नहीं होते क्या भाई, पत्थरों से हम क्या हासिल कर सकते हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, हैलाइड हैं, सल्फाइड हैं, नहीं है आपको। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको आइसोलेट किया जा सके, उनको शुरू में क्या बोलते थे, बताओ क्या बोलते थे उनको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलते थे। तो शुरुआत में जो वर्ड आए थे ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो ऐसे आए थे कि जो लिविंग बींग से आइसोलेट हो सके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नॉन लिविंग बींग से हासिल हो सके उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन आज भाई ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है, क्यों नहीं वैलिड आपको पता है, क्योंकि आज हमको जरूरत नहीं है कि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े। अब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन से बना सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, किससे भाई, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन से बना सकते हो, डायरेक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो बताओ क्या बोलेंगे इसको। आज लेबोरेटरी में
इनसे नहीं, प्लांट से एनिमल से आइसोलेट नहीं किए। आज लेबोरेटरी में कोई 2-2.5 लाख 2-3 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए जा चुके, तो क्या बोलते हैं सिलिस को? तो अब ये डेफिनेशन वैलिड नहीं रहेगी ना भाई, अब ये डेफिनेशन वैलिड नहीं रहेगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नई डेफिनेशन है वो बताओ क्या होती है? वो ये होती है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब वो कंपाउंड जो किन से बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल आपका मीथेन है, क्या आपका मीथेन, ये किन से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से। और इसका कोई क्या बनाओ डेरिवेटिव, क्या बनाओ इसका, वो इसके डेरिवेटिव कई तरीके से बन सकते हैं। एक तो एच हटा क्या लगा दो, ओ एच क्या लगा दो भाई, तो क्या बन गया मिथेनॉल, क्या बन गया, या हमारे पास सी एच थ्री सी एच फोर था, दो एच को हटा दो, क्या करो दो एच को हटा दो, और वहां पर क्या लगा दो, डबल बॉन्ड ओ क्या लगा दो, तो एच सी एच ओ हो गया, क्या हो गया एच सी एच ओ। नहीं आपको, अरे बोलो भाई, नहीं बताओ कुपल पड़ी। तो ये भी हमारे पास क्या बताओ भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज नई डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स, और उनसे निकाले गए डेरिवेटिव क्या कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आज ये बोलते हैं, ठीक है। और इन तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव छोड़ के, क्या हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव छोड़ के जितने भी कंपाउंड बच गए वो सब क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी बताओ क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ध्यान रखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी में सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ना होते, पूरे के पूरे एलिमेंट भी, क्या बोलो भाई, सिर्फ कंपाउंड नहीं, एलिमेंट्स को भी कहाँ स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको समझ में, ध्यान रखिए, आमतौर पर बच्चे मानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी भी स्टडी। और जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी क्या हैं, यानी कंपाउंड, बिना कंपाउंड बनाए फॉर्म, जैसे O2 है O3 है, ये कंपाउंड होते हैं क्या, क्या डाइऑक्सीजन है, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है, या ओजोन है, ये कंपाउंड है क्या, क्या ये एलिमेंट होंगे, या सोडियम मेटल है प्योर, ये भी क्या एलिमेंट होते होंगे। तो इनकी भी स्टडी कहाँ होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, समझे बात। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कहाँ से हासिल कर सकते हो, बताइए भाई, बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनमें सिमिलरिटी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में तैयार किया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में तैयार किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकिन कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं हम, बोलो भाई, लिविंग बींग से। इनऑर्गेनिक को कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, नॉन लिविंग बींग से। आगे आपको ये तो ये क्या इनकी भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज सभी एलिमेंट्स की स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से आपको भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लाइफ का बेसिस तैयार करते हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइफ के बेसिस को तैयार करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बायोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन लाइफ का मेन बेस कौन तैयार करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या करते हैं, लाइफ के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, लेकिन लाइफ का बेसिस कौन तैयार करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नहीं आना आपको, प्रत्यक्ष तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।